आकाशवाणी आपके पास मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। लोकवाणी की पांचवी कड़ी का मंच तैयार है और इस बार का विषय है आदिवासी विकास हमारी आस। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मुझे खुशी है आज मैं लोकवाणी के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आदिवासी अंचलों की जनता से सीधे बात कर रहा हूँ। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग एक तिहाई है। आप लोगों ने अपनी सोच, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने योगदान से छत्तीसगढ़ को एक विशेष पहचान दी है। अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी जिंदगी में रमे होते हैं, अपनी आकांक्षाएं मुखर करने में भी संकोच करते हैं। इसलिए लोकवाणी का विषय आदिवासी विकास हमारी आस अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर अपने विचार रखने वाले सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे विचार सुनाना चाहते हैं जो आदिवासी समाज के बहुत से विषयों को सामने लाते हैं। नारायणपुर के फरस कुमार और रामजी ध्रुव सहित अनेक साथियों ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक के संबंध में कहा है। लीजिए सुनते हैं उनकी ही आवाज में उनकी बात। जिला नारायणपुर, तेंदुपत्ता संग्रहण में हम काम करते हैं सर। उससे मेरे को मिला अच्छा बोनस पाया मैंने। धन्यवाद देते हैं सर मुख्यमंत्री आप सर। जी, मैं रामजी ध्रुव बोल रहा हूँ नारायणपुर जिले से, अबुझमाड़े समाज अध्यक्ष। अभी जो पूरा ये तेंदुपत्ता वाला जो पूरा किए हैं वो बहुत ही अच्छा है ऐसे, लेकिन हमारा मानना है कि उसमें थोड़ा सा अगर कुछ बदलाव किया जा सके हमारे अबुझमाड़ में, खासकर अभी आवागमन सुविधा उतना बिल्कुल थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उस पर अगर उससे कुछ हो जाता तो और अच्छा हो जाता। धन्यवाद फरस कुमार जी और रामजी ध्रुव जी। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण मजदूरी को 2500 रुपया से बढ़ाकर 4000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दिया है, ताकि आप लोगों की आमदनी में तुरंत और सीधी बढ़ोतरी हो जाए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2019 में 15 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ है, जिसके एवज में 602 करोड़ रुपया मजदूरी का भुगतान किया गया। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 226 करोड़ रुपया अधिक है। इसके साथ ही हमने लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी का दायरा भी बढ़ा दिया है। पहले सिर्फ 7 वनोपजों की खरीदी करते थे, जबकि अब हमारी सरकार द्वारा 15 वन उपज की खरीदी की जा रही है। 3 लघु वनोपजों रंगनी लाख पर 20 रुपये किलो, कुल्लू गोंद पर 20 रुपये किलो तथा कुसमी लाख पर 22 रुपये किलो अतिरिक्त बोनस देने का इंतजाम भी किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रदेश में वन उपज का कारोबार लगभग 1800 करोड़ रुपये का होता है, जिसमें हमारे आदिवासी समाज को समुचित भागीदारी नहीं मिली थी। अब हमारी सरकार ने ऐसे नए रास्ते तलाशे हैं जिससे आप सभी भाई बहनों की आय बढ़ सकेगी। हम आदिवासी समाज में मातृशक्ति को और सशक्त बनाना चाहते हैं। इस दिशा में एक नया कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि वन उपजों के कारोबार से महिला समूहों के 50,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ा जाएगा। परंपरागत वैद्यकीय ज्ञान भी छत्तीसगढ़ के वन अंचलों की विशेषता है। इस कौशल को लंबे अरसे में न तो मान्यता मिली और न ही सुविधा, जबकि जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को लेकर कोई संदेह नहीं है। हमने परंपरागत वैद्यों के कौशल और ज्ञान को सहजने तथा इसे उपयोग में लाने के लिए
1200 परंपरागत वैद्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया। अब इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। अबूझमाड़ में आवागमन की सुविधा बढ़ाने का सुझाव भी बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अबूझमाड़ में राजस्व सर्वे ही नहीं हुआ था जिसके कारण यहाँ विकास के कार्य प्रभावित हुए थे। हमारी सरकार ने पहली बार अबूझमाड़ का राजस्व सर्वे कराने का निर्णय लिया है। अब अबूझमाड़ में विकास की रोशनी पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। हम प्राथमिकता से यहाँ सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा जैसी सारी सुविधाएं पहुँचाएंगे। इस समय नारायणपुर ओरछा, नारायणपुर धौड़ाई, कन्हार गांव, बारसूर, नारायणपुर सोनपुर, कोंगे जैसे अनेक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर तथा लागत लगभग 300 करोड़ रुपया है। इसके अलावा भी एक दर्जन से अधिक सड़कों का निर्माण 150 करोड़ की लागत से किया जा रहा है जिससे ओरछा, गुदाड़ी, कुडोली, गारपा, आकाबेड़ा, कीकाड़ आदि स्थानों पर पहुंचना आसान हो जाएगा और करीब 20 करोड़ रुपये लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कन्या छात्रावास, शाला भवन आदि का काम भी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुनते हैं ग्राम पंचायत सिरसिदा जिला धमतरी के भाई चंद्रभान मरकाम के विचार। चंद्रभान मरकाम, ग्राम रावण सिंगी, ग्राम पंचायत सिरसिदा। हमारे गांव में 98% आदिवासी गोंड समाज के लोग रहते हैं। यहां पर बालका नदी बहती है, इसमें अति क्षतिग्रस्त रास्ता है जिनको नया पुलिया बनाने के लिए शासन प्रशासन को कई बार आवेदन ग्रामवासियों द्वारा किया जा चुका है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के लोकवाणी में विषय आदिवासी विकास हमारी आस के द्वारा प्रश्न कर रहा हूँ, क्या हमारी आस पूरा होगा? मरकाम जी, आपने नदी की चिंता की है इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर साधुवाद देता हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ, नदी बचाने से ही जिंदगी बचती है, इसलिए नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है। हमारी सरकार ने आते ही नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के लिए एक महाअभियान शुरू किया है जिसमें नरवा का आशय नालों के साथ हर तरह के जलाशयों को बचाना है। नदी, नाले, झील, तालाब, कुएं और ऐसे हर संरचना जिससे बारिश का पानी बहने से रुके, भूजल की रिचार्जिंग हो, नए जल स्रोत मिले, ऐसे सारे उपाय हम कर रहे हैं। बस्तर की जीवनदायिनी नदी इंद्रावती को बचाने के लिए हमने प्राधिकरण का गठन किया है। नदी तट कटाव में कमी लाने हेतु इंद्रावती, खारून तथा अरपा नदियों के 462 हेक्टेयर क्षेत्र में 600,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। बालका नदी पर करीब 3.25 करोड़ की लागत से रावण सिंह की निकट बनाने के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। हम प्रयास करेंगे कि इस दिशा में ठोस काम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुनते हैं जिला बस्तर के माखनलाल सोनी जी के विचार। माखनलाल सोनी बोल रहा हूँ बस्तर से। छत्तीसगढ़ का 66% क्षेत्रफल में अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, बिना पालन किए कैसे इनका समुचित विकास होगा? इसमें जैसे पेशा कानून है, वनाधिकार है, भू राजस्व संहिता की धारा 165, 170 खा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस पर आपकी सरकार क्या करेगी? माखनलाल जी, आपकी चिंता जायज है लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमारी सरकार को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन मुझे यह कहते हुए संतोष है कि हमने आदिवासी समाज के जीवन और उसके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनेक बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की बागडोर संभालते ही हमारा सबसे पहला फैसला लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापस करने का था। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165, 170 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी से गैर आदिवासी भूमि क्रय की अनुमति नहीं दी जा रही है।
पूर्व में इस प्रकार के जो अंतरण हुए हैं उनमें भी न्याय दिलाने की पहल की गई है और आदिवासी भूमि स्वामी को पुनः अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का पूर्णतः संरक्षण किया जा रहा है। पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की महती भूमिका है। सभी शासकीय कार्यों में ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही सभी शासकीय अशासकीय भू अर्जनों की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न शासकीय योजनाओं में सामाजिक अक्षेपण के माध्यम से ब्यौरा ग्राम सभा में रखा जाता है। जहाँ तक सामुदायिक वन अधिकारों का विषय है तो यह हमारी प्राथमिकता है। कोंडागांव जिले के 9 गांव में 9,220 एकड़ जमीन के पट्टे दिए गए हैं। वहीं धमतरी के नगरी में जबर्रा गांव में लगभग 12,500 एकड़ जमीन एक ही गांव में सामुदायिक दावा के तहत अधिमान्यता पत्र दिया गया है। वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में एक ओर जहां सामुदायिक वन अधिकारों की घोर उपेक्षा की गई थी, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत दावों को भी बड़ी संख्या में निरस्त किया गया था। हमने ऐसे प्रकरणों पर पुनर्विचार का बड़ा निर्णय लिया है। दूर दूर फैले गांवों का नए सिरे से प्रतिमन कराकर उन्हें पंचायत का दर्जा दिया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु 5वीं और 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता हमने समाप्त कर दी है। राज्य में पेशा क्षेत्रों के लिए नियम बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल की गई है। अब पिता की जाति के आधार पर नवजात को जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जिन निर्दोष लोगों को झूठे मामलों मुकदमों में फंसाया गया था उन्हें न्याय दिलाने के लिए जस्टिस पटनायक आयोग काम कर रहा है। सारकेगुड़ा में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस्तर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन पहले ही कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते थे। हमने विधायकों तथा अन्य स्थानीय लोगों को प्राधिकरण में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे महान नेताओं के पद चिन्हों पर चलते हैं, जिन्होंने आदिवासी समाज को सबसे पहले और सबसे तेजी से विकास की सुविधा देने की पहल की थी। उनकी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखते हुए सर्वांगीण विकास पर बल दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का संदेश प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच गया है। हम दो प्रतिनिधि विचार इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, जिसमें से एक सुदूर अबूझमाड़ से है तो दूसरा सुदूर कोरिया जिले से है। लीजिए सुनते हैं सवाल मूल प्रश्नकर्ता की ही आवाज में। हाँ, मेरा नाम पप्पूराम पोताई, मैं ग्राम कंदारी अबूझमाड़ जिला नारायणपुर से बोल रहा हूँ। अभी हमारे अबूझमाड़ में ओरछा में आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, उसमें हम लोग सब भाग लिए थे। ये बहुत अच्छा लगा। और हम लोग अभी एक मुख्यमंत्री ने एक लोक कला परिषद का गठन किया है, इसमें हमको आदिवासी कलाकारों को क्या फायदा मिल सकता है ये पूछना चाहता हूँ। मनेन्द्रगढ़ कुरिया जिले से मैं प्रतीश उपाध्याय। सबसे पहले मैं आपको आदिवासी अस्मिता और संस्कृति के विकास, छत्तीसगढ़ के इतिहास, उसके वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, आदिवासी विकास में शासन की नरवा, गुरवा, घुरवा और बारी योजना मील का पत्थर उपयोगी साबित हो रही है। आदिवासी वर्ग का विकास तभी हो सकता है जब उनकी सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षा की जाए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक पहचान देने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ इस महोत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को
उसके कई सुनहरे पन्ने खुलने जा रहे हैं, जैसे गांधी जी का ग्राम स्वराज वापस लौट रहा है और छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी की लोक परंपरा छटपटा रही थी उसको जीवन देने का कार्य प्रदेश में हुआ है। मैं आपको पूरे छत्तीसगढ़ के करोड़ों जनता की ओर से इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। पप्पू पोटे जी, सतीश जी और ऐसे सवाल करने वाले तमाम साथियों को साधुवाद। मेरा मानना है कि संस्कृति और परंपराएं हमारी माँ के समान हैं, जो हमारा रास्ता तय कर देती है कि आगे की ओर कैसे जाना है। हमें अपने प्रदेश के साथ देश के सभी राज्यों के आदिवासी समाज पर गर्व है। आपकी प्रकृति और संस्कृति से जुड़ाव पर मुझे गर्व है। धरती के संसाधनों को, हवा पानी पर्यावरण को बचाने के आपके सतत योगदान पर मुझे गर्व है। हम चाहते हैं कि देश का सारा आदिवासी समाज अपने कलाकारों, कला मर्मज्ञों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की धरती पर इकट्ठा हो। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इसी दिशा में की गई पहल है, जिसके माध्यम से एक ओर हम आदिवासी समाज की लोक कलाओं से प्रदेश, देश और दुनिया को अवगत कराएंगे, साथ ही आपके समाज के आशाओं आकांक्षाओं को और करीब से समझेंगे। हमारे प्रदेश के नृत्य दलों का गठन करने के लिए हमने ब्लॉक, जिला, संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की है। मुझे खुशी है इन प्रतियोगिताओं में हर स्तर पर आदिवासी समाज का बहुत उत्साह और जुड़ाव देखने को मिला है, और सबसे विशेष बात युवाओं के उल्लास और जुड़ाव की है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह ग्रामीण स्तर पर उत्साह का सैलाब उभरा, उसी तरह राष्ट्रीय आयोजन के दौरान भी युवाओं का कौशल और उल्लास 27, 28 और 29 दिसंबर को भी दिखाई पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग खूब अच्छा प्रदर्शन करें और लोगों का दिल जीतें। जहां तक लोक कला परिषद का सवाल है, तो यह संस्था लोक कला व सांस्कृतिक उत्थान में अहम भूमिका अदा करेगी। यह लोक कलाकारों के अधिकार संपन्न सर्वोच्च संस्था होगी, जिसके पास अपना बजट होगा, अपनी समझ होगी, अपनी योजनाएं व कार्यक्रम होंगे। यह नौकरशाही से अलग सक्रिय कलाकारों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित होगी। ये सरकारी नहीं बल्कि असरकारी तरीके से काम करने में सक्षम होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अनेक साथी ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति लागू की है, उससे अभी तक सर्वाधिक उपेक्षित, सर्वाधिक पिछड़े रहे आदिवासी अंचलों और वहां रहने वाली ग्रामीण जनता को क्या लाभ मिलेगा? हमारी नई औद्योगिक नीति गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मूल भावनाओं पर आधारित है। हमने नई औद्योगिक नीति के माध्यम से सीधे आगामी 5 सालों का लक्ष्य और कार्य योजना सामने रख दिया है कि वर्ष 2024 का छत्तीसगढ़ कैसा होगा। नई नीति में हमने प्रदेश के सभी विकास खंडों को 4 श्रेणियों में बांटा है। जो क्षेत्र या विकास खंड सबसे पिछड़े रह गए थे, उन्हें हमने 10 श्रेणी में रखा है, और सबसे पिछड़े को सबसे अधिक लाभ, रियायतें, संसाधन देने का फैसला किया है। जो नए उद्योग लगेंगे, उनमें स्थानीय लोगों को अनिवार्यता रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है, जिसके तहत अकुशल श्रेणी में 100%, कुशल श्रेणी में कम से कम 70% और प्रशासकीय और प्रबंधकीय श्रेणी में कम से कम 40% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। खेती, उद्यानिकी, हस्तशिल्प आदि को हमारी नई नीति में उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। खाद्य और वनोपज प्रसंस्करण के अधिकाधिक इकाइयां लगे, इस पर हमारा जोर होगा। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कम से कम 300 उद्यमी उद्योग लगाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 3500 से अधिक नए उद्योग लगें, जो इस योजना के नाम को सार्थक करें। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से आदिवासी अंचलों के विकास में तेजी आएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जगदलपुर से महेश्वर नाग, नगरनार से रोहित नाग, ग्राम कस्तूरी जगदलपुर से रमेश कश्यप और गरियाबंद से गजेश्वर दीवान सहित बहुत से साथी ये जानना चाहते हैं कि
कि एनएमडीसी के द्वारा ही नगर नार संयंत्र चलाया जाएगा या नहीं, उनकी चिंता उनके शब्दों में ही सुन लीजिए और फिर आप अपने विचार रखिएगा। सर मैं एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार जगदलपुर से बोल रहा हूँ सर, मेरा नाम महेश्वर नाग है। हाँ सर, एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार को सर केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण डिमर्जर करना करने का फैसला किया है सर, जो कि आदिवासी क्षेत्र में पांचवी अनुसूची होने के नाते अपन निजीकरण नहीं चाहते सर। जी रोहित कुमार नाग, मैं नगरनार जगदलपुर से बोल रहा हूँ सर। यहाँ जो नगरनार जगदलपुर में जो स्टील प्लांट बन रहा है उसको भी केंद्र सरकार ने निजीकरण की सूची में डाल दिया और डिमर्जर कर रहा है। ये पांचवें अनुसूचित क्षेत्र है तो यहाँ के आदिवासी लोग आवाज उठा रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए करके। मैं रमेश कश्यप, ग्राम कस्तूरी, पोस्ट नगरनार, जगदलपुर, जिला बस्तर का निवासी हूँ। केंद्र सरकार द्वारा एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार का डिमर्जर तथा निजीकरण करने का फैसला लिया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि निजीकरण हुआ तो निजी हाथों में जाएगा और आदिवासियों का इस क्षेत्र में शोषण होगा। दोस्तों, एनएमडीसी और नगरनार को लेकर आपकी चिंता एकदम वाजिब और जायज है। मुझे खुशी है कि इस मंच के माध्यम से आप लोगों ने अपनी जमीन, अपनी हवा, अपने पानी और अपने संसाधनों को लेकर अपनी आवाज मुखर की है। आपको पता ही है कि हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक उपक्रमों के विकास के माध्यम से जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाले अनेक संस्थानों की सौगात दी थी, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट भी है। एनएमडीसी, एनटीपीसी, एसीसीएल जैसे तमाम उपक्रमों का स्थानीय जनता, स्थानीय विकास, प्रदेश और देश के विकास में अद्भुत योगदान रहा है। हमारे नेताओं ने तो बैंकों, बीमा कंपनियों, बिजली उपक्रम, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे सारी संस्थाएं भी सार्वजनिक उपक्रम के रूप में विकसित की थी, जिसके कारण हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने व वैश्विक मंदी से उबरने में सफल हो रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से हम चाहते हैं कि नगरनार का प्लांट एनएमडीसी द्वारा ही संचालित हो। यदि कोई विपरीत फैसला ऊपर से आता है तो हम प्रदेश की जनता और आप लोगों के साथ खड़े होंगे। आपके हितों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी हमने हमेशा निभाई थी, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदिवासी अंचलों में रहने वाले ग्रामीण युवा सरकारी नौकरी पाने में बहुत सफल नहीं हो पाते, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? हमारी सरकार ने वन अंचलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देने के लिए अनेक बड़े कदम उठाए हैं। बस्तर सरगुजा संभाग की तरह कोरबा जिले के ग्रामीण युवाओं का संकोच टूटे और वे आगे बढ़े, इसके लिए हमने जिला संवर्ग के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति स्थानीय लोगों से करने की समय सीमा बढ़ा दी है। विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी देने के लिए नियमों को शिथिल किया गया है। बस्तर, सरगुजा तथा बिलासपुर संभाग के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन का निर्णय लिया जा चुका है। प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों सहित आश्रमों में रहने वाले बच्चों की शिष्यवृत्ति दर बढ़ाकर 1,000 रुपया प्रतिमाह की गई है। इस एक वर्ष में 16 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं, जिसमें 960 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इनके लिए 16 नए भवन भी स्वीकृत किए गए हैं। मैट्रिकोत्तर छात्रावास के विद्यार्थियों के छात्र भोजन सहाय राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह की गई है। हम आदिवासी अंचलों में अच्छी शिक्षा, सेहत और रोजगार के अवसरों का सेतु बना रहे हैं। आदिवासी अंचलों में 2 किलो आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क तथा 5 रुपये प्रति किलो की दर से प्रोटीन युक्त चना दिया जा रहा है। रियायती दरों पर शक्कर तथा बस्तर संभाग में बीपीएल परिवारों को 2 किलो गुड़ निःशुल्क देने का फैसला किया है। गैर अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को केरोसिन की पात्रता बहाल की गई है। इसके साथ ही हाट बाजार में चिकित्सा सुविधा दी गई है, ताकि जो लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे उन्हें बाजार आने पर अस्पताल की सुविधा मिल सके।
मुझे खुशी है कि सुपोषित छत्तीसगढ़ अभियान, मेहरार चौमान जैसे कार्यक्रम लोक अभियान बनकर आदिवासी अंचलों में लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। मैंने स्वयं 1 दिसंबर को अनेक धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया है। आपको विदित है कि हमने केंद्र के नियमों के तहत फिलहाल धान का दाम केंद्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के समान देना पड़ रहा है, लेकिन आपके जेब में 2500 रुपया कैसे पहुंचे इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। मैं चाहूंगा किसान भाई बहन किसी भी तरह से बकावे में ना आए और धीरज से अपना काम करें। आज के कार्यक्रम के समापन के पहले मैं याद करना चाहता हूं अमर शहीद वीर नारायण सिंह को, जिनका बलिदान दिवस 10 दिसंबर को है। हम उनके योगदान को याद करते हुए सादर नमन करते हैं। 18 दिसंबर को गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती है, जिन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश देकर विश्व बंधुत्व की अलग जगाई थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, प्रभु यीशु का जन्म दिवस है। मैं गुरु बाबा घासीदास और प्रभु यीशु को सादर नमन करते हुए कामना करता हूँ कि प्रदेश की खुशहाली के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रोताओं, मैं एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि लोकवाणी के लिए बहुत से सवाल मिले, लेकिन समय सीमा में सभी सवालों को लेना संभव नहीं था, इसलिए कुछ प्रतिनिधि सवालों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार जानने का प्रयास किया गया। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है, जिससे लगभग हर सवाल का जवाब मिल गया है। तो श्रोताओं, अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 12 जनवरी 2020 को होगा। विषय होगा सेवा का 1 साल। इस विषय पर हमारे श्रोता अपने विचार 23, 24 और 25 दिसंबर 2019 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप फोन नंबर 0771 के बाद 2430501, 2430502 और 2430503 पर दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, जय जोहार। अभी आप सुन रहे थे लोकवाणी। आपकी बात